सो गाइज, इससे पहले कि हम सिनेमैटिक वीडियो शूट करना शुरू करें या सिनेमैटिक के रेल में एंटर करें, ये जानना सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि एक नॉर्मल वीडियो में और एक सिनेमैटिक वीडियो में प्राइमरली क्या डिफरेंस है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस गेट रोलिंग। सबसे पहले हम एक मिथ को ब्रेक करने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि स्लो मोशन वीडियोस अगर आपने शूट की हैं 100 FPS पे तो उसे हम सिनेमैटिक वीडियो बोलते हैं। अब मैं डिनाई नहीं कर रहा कि स्लो मोशन में भी सिनेमैटिक वीडियो शूट की जा सकती है, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सिनेमैटिक वीडियो और नॉर्मल वीडियो, जिसे हम ब्रॉडकास्ट वीडियो बोलते हैं, में डिफरेंस है सिर्फ एक, वो है लाइटिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइटिंग का डिफरेंस कैसे है। गाइस, जब आप एक न्यूज चैनल देखते हैं तो जो रीडर आपके सामने बैठा होता है उसके चेहरे पे, उसके सराउंडिंग पे एक इवन लाइट होती है, सामने से बिल्कुल इवन लाइट उसे किया जाता है, दोनों ही तरफ से लाइटिंग इक्वल रखी जाती है ताकि आप उन्हें अच्छे एक पूरी डायमेंशन में देख सकें और पूरा स्टेज वेल लिट हो। उसका पर्पज ये होता है कि वो आपको न्यूज देना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उनके लिए उस सीन को सिनेमैटिक बनाना एक प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट ए सिनेमैटिक मूवी और ए सिनेमैटिक फिल्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप एक मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या इवन थिएटर्स में, आप देखते हैं कि वहां पे काफी ड्रामेटिक लाइटिंग का यूज करके स्टोरी को नरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गॉडफादर मूवी की, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड। आपको याद होगा वो बड़ा ही आइकॉनिक सीन जहां पे डॉन विटो कॉर्लियोनी अपने ऑफिस में बैठा है और अपने लोगों से बात कर रहा है। उस सीन में टॉप डाउन लाइट का यूज किया गया है। अब टॉप डाउन लाइट के क्या ड्रॉबैक्स हैं? वो ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपकी आंखों, आपकी चिन के नीचे शेडोज आती हैं, पर क्योंकि वो एक डार्क करेक्टर है, वो एक नेगेटिव करेक्टर है, उस नेगेटिविटी को एम्फेसाइज करने के लिए ऊपर से नीचे लाइट की गई है और सीन को मूडी और डार्क बनाया गया है। सो डेफिनेटली वो सीन स्लो मोशन में शूट नहीं किया गया है, बट एक नॉर्मल फ्रेम रेट पे शूट किया गया है और सिर्फ लाइटिंग को चेंज करके ड्रामेटिक बना के उस स्टोरी टेलिंग को और एनहांस किया गया है, उस नेगेटिविटी को और बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है सिनेमैटिक लाइटिंग की। सेम वे जब आप कोई पॉपुलर सीरीज देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स और फॉर दैट मैटर आप कोई भी ड्रामेटिक मूवी देखते हैं, वहां पे आपको काफी सिलुएट्स नजर आते हैं, बैक लाइटिंग नजर आती है, आपके सब्जेक्ट को कई बार पूरा सिलुएट कर दिया जाता है, पूरा ब्लैक कर अंडर एक्सपोज करके ब्लैक कर दिया जाता है। उस लाइटिंग को एक पर्पसफुल तरीके से यूज किया जाता है सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए, नरेशन के लिए, एक आइडिया को यूनिक वे में प्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली आपने देखा होगा, अगर आप द डार्क नाइट बैटमैन की सीरीज उठा के देख लें, ज्यादातर टाइम शेडोज को यूज किया गया है लाइट के साथ, एक हल्की सी बैकलाइट दी गई है और एक इमेज दिखाई गई है सब्जेक्ट की सिर्फ। सो ड्रामेटिक लाइटिंग ही आपके नॉर्मल वीडियो को एक सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट करती है। जब हम आउटडोर्स में होते हैं, हम सनलाइट को, सन फ्लेयर्स को यूज करके अपने सब्जेक्ट को पीछे से लाइट करके, लाइट सोर्स को उनके पीछे से डाइवर्ट करके हम शूट करते हैं और वो सीन में जो लेंस फ्लेयर या फिर वो जो हेलो इफेक्ट आता है, ग्लो इफेक्ट आता है, वो आपको एक सिनेमैटिक लाइटिंग की परफेक्ट एग्जांपल देता है। एंड गाइस, एक वीडियो में सिनेमैटिक लाइटिंग को एक्सप्लेन कर पाना या सिखा पाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इट टेक्स पीपल 4 years, 5 years, दे गो टू आर्ट स्कूल, ड्रामा स्कूल्स, और वहाँ पे उनको सिनेमैटिक लाइटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। सो एक 3 मिनट की 5 मिनट की वीडियो में ये सब समझा पाना इज इम्पॉसिबल, बट डेफिनेटली अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की लाइटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट सिनेमैटिक इज नॉट अबाउट वट फ्रेम रेट्स यू आर चूजिंग। डेफिनेटली उसका भी असर होता है, लेकिन सिनेमैटिक लाइटिंग से आप अपनी नॉर्मल वीडियो को एक सिनेमैटिक वीडियो का लुक दे सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड इन। काफी सिनेमैटिक वीडियोज के बारे में, लाइटिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपडेट्स आती रहेंगी। इट डज नॉट कॉस्ट एनी मनी, सो हिट द लाइक बटन, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग।